यत्र नार्यस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ साक्षात देवता निवास करती है। ये आपकी और मेरी कही हुई बात नहीं है, ये वर्ण वेद वाक्य है। आदरणीय शिक्षक गण तथा मेरी सभी सहपाठियों, आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। किसी भी कृति के लिए क्षमा चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकारी सामाजिक योजना है। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य समाज में प्रति लड़कियों को जागरूकता फायदा करना, भारत देश पौराणिक संस्कृति के साथ साथ महिलाओं को सम्मान और इज्जत के लिए जाना जाता था, लेकिन बदलते समय के अनुसार हमारा देश का लोगों को सोच में भी बदलाव आ गया है, जिसके कारण अब बेटियां और महिलाओं को एक ही सम्मान व्यवहार नहीं किया जाता है। और एक प्रमुख विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ, और स्त्री शोषण और सरेआम होती छेड़छाड़। आप सब दिसंबर 2012 में हुई दामिनी और ज्योति सिंह वारदात के पूरी तरह से वाकिफ है, दुखी भी जरूर होंगे, लेकिन अब तक उसी घटना को सब भुला भी चुके होंगे, पर क्या वो भुलाने देने वाली घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हर घर में बेटी है बहन है, और बेटी स्कूल या कॉलेज से आने में देर हो जाए तो हर माँ बाप की चिंता दोगुनी होती है। जहाँ समाज में उन्नति का बात होनी चाहिए वहाँ पिछड़ेपन की बात होती है। जैसे लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं, कॉलेज नहीं भेजेंगे, जल्दी शादी कर देंगे, ऐसा नहीं रहने देंगे, ऐसा नहीं रहने देंगे, आप सब क्यों नहीं कहते? हम सब अपने लड़कों को अपने भाइयों को इस मानसिकता से बाहर निकालेंगे, देर रात तक घर से बाहर नहीं रहने देंगे, लड़कों को नैतिक बातों का ज्ञान देंगे, लड़कों को अच्छे संस्कार देंगे, लड़कों को अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किस न्याय है? समाज से इस बीमारी को हटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके सामने कड़ी मैं भी एक लड़की हूँ, आए दिन समाज में वाली कुरीति वाले घटनाओं को लोगों की अज्ञानता के कारण बहुत सारी स्त्री बहु बेटियाँ पीड़ा सहन कर रही है। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ, यह चाहती हूँ कि ये सब यही रुके, हमें हमारा सम्मान मिले। अंत में एक चंद पंक्तियाँ कहती हूँ, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, तो इतना कीमती है बेटियाँ तो मन में क्यों फटकती है बेटियाँ, और सभी को पता